बसमिल्मा असलम वेलकम टू शर्मीन अकेडमी कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस ट्व एडिशन एक्सरसाइज नंबर हमने ट्वेल्थ पॉइंट फोर स्टार्ट की हुई है ठीक है ना लास्ट वीडियो में हमने इसके ट्वेंटी थ्री तक क्वेश्चन देखे थे आज हमने सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ़ाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हमें क्या कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सर्टेड बाय एफ ऑन द बोल्ट एट पी अब देखें आप, आपने क्या करना है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ठीक है ना जो आपके पास पी एक्स फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सर्टेड बाय एफ ऑन द बोल्ट एट पी इफ पी और क्यू जो यानी कि पी और क्यू ये जो पी और क्यू की मैग्नीट्यूड है ना ये आपको जो बार है लाइन है यह आप मैग्नीट्यूड को शो करते हो या लेंथ भी आप कह सकते हो पी और क्यू की जो लेंथ है वो 8 के इक्वल है और जो F है आपके पास वो 30 है ठीक है और एंगल उसने आपको बताया वो 60 है इसके डायग्राम आप अपने क्वेश्चन में देख लें क्वेश्चन में उन्होंने आपको डायग्राम भी दी हुई है अब आपको क्या करना है पी क्यू क्रॉस F ठीक है पी क्यू भी आपको गिवन है एफ भी आपको गिवन है इसका हम एक फार्मूला लगाएंगे अब हमने पी क्यू क्रॉस F करवाना है तो देखें अब समझे कि आपके पास अगर U क्रॉस V है ठीक है तो u क्रॉस v आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ u फिर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ v और फिर आता है साइन थीटा ठीक है अब u आपके पास p और q है और v आपके पास f है दोनों की मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दी हुई है ठीक है ना ये हमने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है अब सबसे पहले देखें मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ़ एफ़ साइन एंगल क्या दिया हुआ है थीटा का सिक्सटी दिया हुआ है ठीक है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा टू बाय थ्री डॉट एफ हमारे पास क्या था थर्टी था और एंगल हमारे पास साइन सिक्सटी किसके इक्वल होता है अंडर वोड थ्री बाई टू के इक्वल होता है ठीक है अब इसकी कटिंग करेंगे थ्री वन जार थ्री थ्री टेन ज़ार थर्टी टू वन जो जार और टू कट हो गई है टेन अंडर वुड थ्री एफ टी आई बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आपके पास एंगल उन्होंने दिया हुआ है ठीक है एंगल चेंज है क्वेश्चन की सारी जो स्टेटमेंट है वो वही है पी क्यू क्रॉस पी एफ करना है पी क्यू मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन अब एंगल क्या आ जाएगा वन थर्टी फाइव आ जाएगा पी क्यू आपके पास टू बाय थ्री था एफ आपके पास थर्टी था साइन वन थर्टी फाइव किसके इक्वल होता है अंडर रूट टू बाई टू के इक्वल होता है ठीक है इसकी भी आप कटिंग कर लेंगे तो आपके पास टेन अंडर रूट टू फिट आई बी आंसर आ जाएगा ठीक है इसकी जो डायग्राम है आपकी क्वेश्चन में गिवन है उससे आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी क्लियर इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव से फोर्टी में एरिया ऑफ अ पैरेले बताना है ठीक है अब आपके पास फोर पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी जब हमने एरिया ऑफ पैरेलेलो बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ए बी और ए डी ठीक है किस तरह से ये देखें सबसे पहले आपने ए और बी के पॉइंट्स का वेक्टर बना लेना है फिर ए और डी के पॉइंट्स का वेक्टर बना लेना ठीक है ए और बी के पॉइंट्स का वेक्टर बनाएंगे सेम वही चीज़ है माइनस आई प्लस जे हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो माइनस वन आएगा तो वो माइनस वन माइनस आई हो जाएगा और वन माइनस जीरो जीरो तो वो जे हो जाएगा ठीक है इसी तरह ए और डी का बना लेना है अब आपको क्या करना है पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए ए बी क्रॉस ए डी करना है ए बी का और ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ठीक है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई जे के माइनस वन वन और के क्या था ज़ीरो था दोनों में ठीक है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें आई के साथ ज़ीरो माइनस जे के साथ जीरो और K के साथ सिर्फ टर्म आएगी ठीक है डिटर्मिनेंट लेना सबको आता है तो ये हमारे पास वन प्लस वन टू के हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा ए बी क्रॉस ए डी अंडर रूट फोर के इक्वल आएगा ठीक है बिकॉज ये आपके पास वेक्टर आया और जब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो अंडर रूट में क्या आना है टू का स्केयर आना ठीक है टू का स्केयर हमारे पास फोर होता है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि टू का स्केयर फोर और फिर इसको खोल के आप लिखो कि फोर किसके इक्वल होता है टू के स्केयर के इक्वल होता है ये कैंसिल हो गया तो टू आंसर आ गया हम यहाँ पर ही इसका स्केयर रूट से कैंसिल कर देंगे और टू आपके पास जो होगा इसका आंसर आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखें क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में आपके पास ए बी सी डी पॉइंट्स हैं इसमें भी आपको ए बी मल्टीप्लाई करवाना है वेक्टर बनाना है कॉम्पोनेंट फॉर्म से और ए डी बनाना है ठीक है अब इसका जब आपने वेक्टर बनाना है तो आप देखें आपने ए बी भी निकाल लिया और ए डी भी निकाल लिया उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है, तो इसमें भी आपके पास के वाली टर्म में वैल्यू आएगी जब आपके पास ट्वेंटी नाइन के इसका आंसर आएगा तो जब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा तो देखें अब मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं अंडर रूट लगाते हैं ट्वेंटी नाइन का स्केयर इधर स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ट्वेंटी नाइन आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए आप ए बी क्रॉस ए डी करवाते हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन देख लें ए बी सी डी पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी करवाया ए डी करवाया ठीक है ए बी कैसे करवाना है थ्री आई माइनस टू जो हो जाना है इसका मतलब क्या है के टू माइनस फॉर्मूले का माइनस वन ये वाला उसके बाद फिर माइनस ज़ीरो माइनस टू ठीक है टू माइनस माइनस प्लस वन और ज़ीरो माइनस टू माइनस टू टू प्लस वन थ्री आई और माइनस टू जे ठीक है इस तरह से जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस में कॉम्पोनेंट फॉर्म से वेक्टर बनाया इसी तरह से आपने ए डी भी बना लेना है फिर जब आपने ए बी क्रॉस ए डी करवाना है आई जे के में तो वो आपके पास सिर्फ आई और जे की फॉर्म में है, ठीक है के आपके पास जीरो आ रहा है जब आपने के ज़ीरो पुट करना है उसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है थर्टीन के आ जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है इसके कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ थर्टीन आंसर आ जाएगा क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखें ए बी सी डी फोर पॉइंट्स हैं ए बी निकाल लिया वेक्टर, ए डी निकाल लिया वेक्टर, सब में वही फॉर्मूला लगना है कॉम्पोनेंट फॉर्म का एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन ठीक है ना अब ए बी क्रॉस ए डी करवाएं आई जे के लिखें के में जीरो आएगा बिकॉज यहाँ पर ये यह टर्म्स आपके पास आई और जे आई जे आई जे आई जे ठीक है सिर्फ आई जे के टर्म्स है के आपके पास है ही नहीं है और क्रॉस प्रोडक्ट आप आई जे के साथ नहीं करवा सकते ठीक है ना उसके लिए आपको के चाहिए होगा क्यों चाहिए होगा बिकॉज डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आई साइड पे आएगा इन दोनों के साथ आप काम करेंगे फिर जे आएगा तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो सेवन टू ज़ीरो ज़ीरो आएगा ठीक है फिर जब के में आपको इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है तो आप सेवन टू माइनस फोर और फाइव के साथ काम करेंगे क्लियर है इस तरह से आपके पास आई भी जीरो हो जाएगा जे भी जीरो हो जाएगा और के आपके पास फोर्टी थ्री के आ जाएगा अब फोर्टी थ्री का के का आपने मैग्नीट्यूड लेना है मैग्नीट्यूड ले लें इसका मैग्नीट्यूड आपके पास ए बी क्रॉस ए डी का फोर्टी थ्री था स्केयर अंडरूड कैंसल फोर्टी थ्री आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन थर्टी नाइन भी देख लें अब इसमें आपके पास थ्री पॉइंट्स हैं ए बी सी में भी आई जे के है बी में भी आई जे के है सी में भी आई जे के है और डी में भी आई जे के है ठीक है अब इसमें जब आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले ए बी को आपने करवाना है और फिर डी सी को करवाना है ठीक है या ए बी भी कह सकते हो और सी डी भी कह सकते हो ठीक है जब आपने इनके कॉम्पोनेंट फॉर्म बना लिए हैं तो आपको पता चल रहा है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी ठीक है अब ए बी आपने करवा लिया है और डी सी करवा लिया है तो अब आप क्या कह रहे हैं कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है ठीक है इसी तरह से आपको बी सी और ए डी का कर, करवाना है ठीक है सबसे पहले आपको ए बी और डी सी का करवाना है उसके बाद आपको बी सी और ए डी का करवाना है ठीक है ना? जब आप कह रहे हैं कि ए बी इस पैरेलल टू डी सी के ए बी डी सी के पैरल है तो इधर भी आप ये कह सकते हैं कि बी सी जो है वो ए डी के पैरल है ठीक है तो अब आपको क्या करना है इधर से आपके पास ए बी पैरेल था इधर से आपके पास बी सी पैरल था तो आपको ए बी को क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है बी सी के साथ ठीक है अब ए बी क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी सी के साथ अब इसमें आई जे के तीनों टर्म्स आपके पास मौजूद हैं आपने उसी तरह से इसको डिटर्मिनेंट लेना है डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास इस तरह की एक टर्म आएगी ठीक है इसमें आपका कुछ भी ज़ीरो नहीं होगा ठीक है और फिर जब आपने ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड लेना है तो आपके पास अंडर रूट फोर का स्केयर सिक्सटीन एट का स्केयर सिक्सटी फोर सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन आएगा ठीक है तो इनको आप सम करेंगे वन ट्वेंटी नाइन आएगा वन ट्वेंटी नाइन किसी का स्केयर भी नहीं है कि हम उसका स्केयर लेके तो अंडर रूट से कैंसिल कर दें क्लियर तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऐसा हमने सिर्फ तब किया है जब देखें हमारे पास आई जे के वैक्टर्स आ रहे थे ठीक है ना जहाँ पर हमारे पास आई जे आ रहे थे वहाँ पर हमने ये पैरल वाला काम नहीं किया था ठीक है अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन फोर्टी इसमें भी आपके पास देखें अब इसमें आपके पास आई जे के वैक्टर्स आ रहे हैं सबसे पहले आपको ए सी को करवाना है और बी डी को करवाना है ठीक है अब आप कह सकते हैं इधर भी मैं लाइन लगा रही हूँ कि आपने ए सी को भी करवाया है और बी डी को भी करवाया है कि ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के ठीक है ऐसा क्यों हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैक्टर्स सेम आने चाहिए पैरेलल में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वैक्टर्स इक्वल होते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास सेम होते हैं ठीक है आप चाहें तो पहले ए बी को करवा के देख लें ए सी को करवा के देख लें लेकिन जब आपके पास दो वेक्टर सेम आएंगे आप उनको कह सकते हैं कि वो आपके पास पैरेले हैं ठीक है अब आपने ए सी को करवाया वो आपके पास पैरेले आ रहा था सॉरी आई प्लस फोर जी आ रहा था उसके बाद जब आपने डी बी को करवाया वो आपके पास आई प्लस फोर जी आ रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये पैरेल है ठीक है जब आपके पास दोनों वैक्टर्स इक्वल आ रहे हैं सेम आ रहे हैं अगर तो आपके पास ये दोनों सेम नहीं आते हैं तो फिर आप कुछ और करवाएंगे आप ए सी के साथ डी बी नहीं आ रहा है तो आप बी डी करवा के देखेंगे सही है ना कुछ और करेंगे कि आपके पास जो है वो पैरेलल आ जाए जब पैरेलल आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ए सी डी बी के पैरेलल है उसके बाद आपको ए डी को और सी बी को करवाना ठीक है तो उसको भी आपने पैरेलल प्रूफ करवाना है जब पैरेलल आ जाएंगे तो इधर से ए सी पैरल था इधर से ए डी था तो उन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है जब उन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये वेक्टर आएगा ट्वेल्व आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के उसका जब आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो वो आपके पास किस तरह से आएगा ट्वेल्व का स्केयर प्लस माइनस थ्री का स्केयर प्लस सेवन का स्केयर ठीक है स्केयर लेके सम करेंगे अंडर टू जीरो टू जो है आपके पास इसका आंसर आएगा क्लियर उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं फोर्टी वन से कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं आपके पास ए बी और सी पॉइंट्स गिवन है सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के सॉरी कॉम्पोनेंट फॉर्म से फार्मूला लगा के वैक्टर बना लें और फिर ए सी को बना लें ठीक है अब ट्रायंगल है आपके पास तो आपके पास ट्रायंगल में थ्री ही पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी ठीक है ना तो आपके पास ए बी और सी ही होंगे आपको ए बी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और ए सी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ठीक है वेक्टर बनाने पड़ेंगे उसके बाद आपने क्या करना है ए बी क्रॉस ए सी इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास के में आंसर आएगा ठीक है क्योंकि पॉइंट्स आपके पास आई जे में थे तो के आप जीरो ले रहे थे के ज़ीरो लेंगे तो आई जी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे तो के के टर्म आपके पास आंसर आएगी तो उसके बाद उसका आपने क्या करना है मैग्नीट्यूड लेना है मैग्नीट्यूड ले लेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि वन बाई टू होता है उसकी मैग्नीट्यूड से ठीक है ना अब इसमें जब हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ़ ट्राइंगल इज़ हाफ़ इलेवन बाई टू हाफ ऑफ एरिया ठीक है अब इलेवन बाई टू यहाँ पर हमने फार्मूला वैसे ही नहीं लगाया है हम वैसे ही कह रहे हैं कि जो एरिया ऑफ़ ट्राइंगल है वो मैग्नीट्यूड से हाफ होता है ठीक है अब इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इलेवन आ रही है अगर यहाँ पर मैं आपको फार्मूला लगा के भी दिखाऊँ कि फार्मूला हम लगा रहे हैं वन बाई टू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी आपके पास इलेवन आई है तो वन बाई टू मल्टीप्लाई होगा इलेवन से तो ये आपके पास इलेवन बाई टू आएगा ठीक है इसी तरह हमने कह दिया कि एरिया ऑफ़ ट्राइंगल इज़ हाफ़ इट मीन्स कि एलेवन बाई टू है हाफ ऑफ एरिया ठीक है इसी तरह से फोर्टी टू वाला भी देख लें फोर्टी टू में भी आपके पास थ्री पॉइंट्स हैं ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है सबसे पहले क्या कर, लेने A, B find कर लेना है ए बी फाइंड कर लेना है ए बी फाइंड कर लें अब देखें थ्री प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है फॉर्मूले का भी प्लस आएगा आई के साथ फिर प्लस थ्री प्लस वन हो जाएगा ठीक है ये फोर आई माइनस टू जे हो जाएंगे इसके बाद ए सी निकाल लेंगे ए सी जब आपने निकालना है तो वो किस तरह से निकालना है कि टू सॉरी ए सी टू माइनस वन है प्लस वन हो जाएगा ठीक है और माइनस माइनस वन है प्लस वन हो जाएगा तो ये आपके पास थ्री प्लस वन फोर आई प्लस फोर जे टू प्लस वन थ्री आई प्लस टू जे हो जाएगा ठीक है इसका आपने ये वाला करना है ठीक है ना यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पर टू आई से सॉल्व किया गया है जबकि ये फोर जे से सॉरी सॉल्व होना है ठीक है अब देखें वेक्टर बना लें आई जे के में के जीरो आएगा क्योंकि पॉइंट्स ही आपके पास आई और जे है फोर है और फोर है फोर और फोर लिखा थ्री और टू लिखा ठीक है आई के साथ क्या आएगा फोर ज़ीरो ज़ीरो आई ही ज़ीरो हो जाएगा ठीक है माइनस जे भी जीरो हो जाएगा K के साथ क्या आएगा टू फोरज आर एट माइनस फोर ट्वेल्व एट माइनस ट्वेल्व करेंगे तो आपके पास माइनस फोर आएगा तो माइनस फोर के आ गया उसके बाद आपने क्या करना है ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए सी से वो हमने ले लिया मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी फोर की मैग्नीट्यूड इस तरह से लेते हैं स्केयर और कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी फोर ही आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वन बाई फोर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी तो ठीक है वन बाई टू मल्टीप्लाई फोर टू वन जार टू 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 जार फोर ठीक है ये जो पेंसिल से किया हुआ है आपने ये वाला करना है ठीक है कटिंग हो जाएगी तो आपके पास टू आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में देखें क्या है ए बी सी आपके पास थ्री पॉइंट्स हैं ए बी का वैक्टर बना लें ए सी का वैक्टर बना लें ए बी का वैक्टर बनाएंगे तो वन प्लस फाइव आ जाएगा सिक्स आई माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव जे ठीक है ए सी का बनाएंगे तो सिक्स प्लस फाइव इलेवन आई और माइनस टू माइनस थ्री इट मीन्स के माइनस फाइव जे ठीक है अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा लें जब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा ठीक है ये मैग्नीट्यूड का साइन है मैग्नीट्यूड का साइन मैग्नीट्यूड की दफ़ा में ही आएगा यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है कि आप ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं ए सी से ठीक है यहाँ पर यह साइन नहीं डालना आपने आई जे के लिखा कि आपके पास जीरो हैं आई और जे की टर्म्स लिखी इनका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया डिटर्मिनेंट लेने के बाद ट्वेंटी फाइव के आया है और अब आपने इसकी जब मैग्नीट्यूड लेनी है तब आपने मैग्नीट्यूड में क्या लिखना है कि मैग्नीट्यूड इस तरह से लेते हैं ट्वेंटी फाइव का स्केयर आना है तो वो स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी इधर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अंडर रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव कहाँ से आया सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव ऐसे आया है कि जब आप इसकी मैग्नीट्यूड लोगे या आपके पास ट्वेंटी फाइव का स्केयर आएगा ट्वेंटी फाइव का स्केयर ओपन करो वो आपके पास सिक्स ट्वेंटी फाइव होता है ठीक है तो सिक्स ट्वेंटी फाइव को अब दोबारा उन्होंने जाके ट्वेंटी फाइव के, के स्केयर में लिखा है स्केयर कैंसिल करके फिर ट्वेंटी फाइव लिखा है जबकि हमने यहाँ ही कैंसिल कर देना ठीक है उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा गया वन बाय टू क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी तो वो आपके पास वन बाय टू ए क्रॉस ए सी क्या आई थी इसकी मैग्नीट्यूड ट्वेंटी फाइव आई थी तो वो ट्वेंटी फाइव बाई टू आपका आंसर आ गया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में क्या है ए बी सी पॉइंट्स हैं इसको भी आपने ए बी को वेक्टर बनाना है ए सी को वेक्टर बनाना है ए बी क्रॉस ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है जब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है के आपके पास जीरो आ जाना है ठीक है तो आपके पास डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के बाद क्या आंसर निकल रहा है माइनस फोर्टी फोर के निकल रहा है माइनस फोर्टी फोर के आपके पास इसका आंसर निकल रहा है उसके बाद आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है फोर्टी फोर के है मैग्नीट्यूड में आपने फोर्टी फोर का स्केयर लेना है स्केयर कैंसिल हो जाएगा फोर्टी फोर आंसर आ जाएगा ठीक है फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए वन बाय टू को मल्टीप्लाई करवाना है फोर्टी फोर से तो ये आपके पास फोर्टी फोर बाय टू आ गया टू वन जार टू 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 जार फोर टू टू जार फोर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं आगे कटिंग होती है कटिंग करने के बाद ट्वेंटी टू आंसर आता है तो आप इसको ट्वेंटी टू भी लिख सकते हैं क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में क्या है ए बी सी पॉइंट्स की वन है ए और बी को वेक्टर बना लें ए और सी को वेक्टर बना लें ए बी क्रॉस ए सी सब क्वेश्चन का मेथड सेम है ठीक है ना ए बी क्रॉस ए सी करवाना है के में आपके पास ज़ीरो आएगा सॉरी के में ज़ीरो नहीं आ रहा है यहाँ पर आपके पास सी में जो है वो पॉइंट है ठीक है यहाँ देख लें ए सी जब आप करवा रहे हैं तो माइनस वन मल्टीप्लाई सॉरी माइनस वन माइनस होगा ज़ीरो से तो वो माइनस वन आएगा ठीक है सारा मेथड वही है ज़रा सी भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ठीक है डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व किया आई जे और के में तो आपके पास ये टर्म आ गई सेम उसी तरह जैसे पहले आपने सारे डिटर्मिनेट सॉल्व किए हैं ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड लें टू का स्केयर फोर वन का स्केयर वन टू का स्केयर फोर इनका सम लिया नाइन आ गया अंडर रुट नाइन अंडर रुड नाइन थ्री के इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या थ्री बाई टू आ गया ठीक है किस तरह से वन बाई टू मल्टीप्लाई होना था थ्री से तो वो क्या गया? आ गया थ्री बाई टू आ गया ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में क्या है ए बी और सी आपको उन्होंने थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी करवा लिया ए सी करवा लिया अब इधर देखें आई जे के आई जे के आई जे के इधर आपको आई जे के में ही काम दिया गया ठीक है तो अब जब आप आई जे के के साथ इसको करवाएंगे तो आपका आंसर भी आई जे के में ही निकलेगा ठीक है आई जे के आपने पुट कर दिया आई की वैल्यू आपके पास थ्री निकलेगी जे आपके पास कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू भी आपके पास थ्री निकली ठीक है ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तब आपके पास क्या टर्म आएगी थ्री का स्केयर नाइन माइनस थ्री का स्केयर भी नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन होता है तो अंडर रूट एटीन किसके इक्वल होता है थ्री अंडर रूट टू के इक्वल होता है ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा थ्री अंडर रूट टू बाई टू बिकॉज वन बाई टू एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले वाला मल्टीप्लाई किससे करवाना है थ्री अंडर रूट टू से करवाना है तो वो क्या आ जाएगा थ्री अंडर रूट टू बाई टू आपका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखें ए बी और सी थ्री पॉइंट्स हैं आपके पास ए बी ए बी को आपने वेक्टर बनाना है तो आपके पास जीरो माइनस वन आएगा ज़ीरो माइनस वन आई उसके बाद माइनस और सॉरी वन है और माइनस इसका प्लस वन वन प्लस वन जे वन माइनस वन के ठीक है उसके बाद क्या है ए और सी को करवाना है वन माइनस वन आई ज़ीरो प्लस वन जे माइनस वन माइनस वन के ठीक है अब ए बी क्रॉस ए सी करवाना है तो आप देखिए ज़ीरो माइनस वन माइनस वन वन प्लस वन टू वन माइनस वन ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो जीरो प्लस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू ठीक है इसमें भी आपने पेंसिल वाला करना है ठीक है जो इसमें है इसमें माइनस प्लस के साइन की मिस्टेक है ठीक है अब क्या है डिटर्मिनेंट निकाल लिया डिटर्मिनेंट्स कैसे लेंगे कि आई साइड पे आएगा टू टू ज़ार माइनस फोर माइनस वन ज़ीरो ज़ाठ ज़ीरो माइनस जे वन टू ज़ार टू ज़ीरो 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 प्लस के वन वन जार माइनस वन टू ज़ीरो जीरो इनको सॉल्व कर लेंगे आपके पास माइनस फोर आई माइनस टू जे माइनस के आंसर आएगा ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है ए बी का ए बी क्रॉस ए सी की मैग्नीट्यूड लेनी है मैग्नीट्यूड लेंगे फोर का स्केयर सिक्सटीन टू का स्केयर फोर वन का स्केयर वन सिक्सटीन प्लस फाइव आपके पास ट्वेंटी वन होते हैं तो अंडर रूट ट्वेंटी वन आएगा ठीक है और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा अंडर रूट ट्वेंटी वन बाई टू उसके बाद क्या है फोर्टी एट वाले क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ठीक है ए बी सी डी आपके पास वॉल्यूम फाइंड करना है आपको फोटी एट वाले क्वेश्चन में और आपके पास फोर पॉइंट्स की बहना है ठीक है सबसे पहले आपने ए और बी ले लेना है फिर आपने ए और सी ले लेना है फिर ए और डी ले लेना है अब वॉल्यूम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है ट्वेल्व पॉइंट फोर में ही कि वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होता है यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू ठीक है ना उसके लिए हमने क्या करना है यू क्रॉस वी बी यू भी चाहिए वी भी चाहिए और डब्ल्यू भी चाहिए तो हम क्या करेंगे हम ए और बी को मल्टीप्लाई अब हमें पता है ए बी सी डी फोर पॉइंट्स हैं ए ने पहले बी से होना है वैक्टर बनना है फिर ए ने सी से वेक्टर बनना है फिर ए ने डी से वेक्टर बनना है ठीक है ए और बी को हम यू का नाम दे देंगे ए और सी को वी का नाम दे देंगे ए और डी को हम डब्ल्यू का नाम दे देंगे ए और बी का वेक्टर बना लिया उसी तरह से वन माइनस जीरो टू माइनस ज़ीरो जीरो माइनस जीरो करके ए और सी का वेक्टर बना लिया ए और डी का वेक्टर बना लिया ठीक है यू वी और डब्ल्यू का नाम दे दिया अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना है यू क्रॉस स्पीड डॉट डब्ल्यू अब इसमें हम आई जे के नहीं लेंगे ठीक है क्योंकि हम तीनों के साथ काम करेंगे सबसे पहले U है सबसे पहले U वाली टर्म लगाई फिर V है फिर V वाली टर्म ये वाली लगाई उसके बाद W है फिर W वाली टर्म लगाई उसी तरह से उसको सॉल्व कर लिया जब उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया है अब देखें आई की जगह वन है वन साइड पे हो जाएगा इस पूरी कॉलम को और इस रो को छोड़ना है थ्री फाइव जार फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस फोर टू ज़ार एट इसी तरह माइनस टू आएगा क्योंकि जे के साथ माइनस आता है ज़ीरो फाइव जार ज़ीरो थ्री टू ज़ार सिक्स उसके बाद माइनस ज़ीरो प्लस आएगा के के साथ प्लस आता है ठीक है अब ज़ीरो फोर ज़ार ज़ीरो आएगा और माइनस थ्री थ्री आर नाइन तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो वो जीरो आ जाएगा ठीक है या जीरो से आप यूँ कह ले कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो ही आ जाएगा उसके बाद क्या है वन मल्टीप्लाई होगा माइनस फिफ्टीन प्लस एट माइनस सेवन यहाँ मैं लिख रही हूँ कि ये माइनस सेवन होते हैं तो माइनस सेवन वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस सेवन आएगा ज़ीरो माइनस सिक्स क्या होते हैं माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई होंगे प्लस ट्वेल्व आएगा माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व फाइव तो इसका वॉल्यूम आपके पास क्या निकला फाइव निकला ठीक है सो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर ट्वेल्व पॉइंट फोर कम्प्लीट कर ली है कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमने इसके क्वेश्चंस फोर्टी एट तक ही सॉल्व करने थे ठीक है अगर इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझना है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो बना दूंगी इसके अलावा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़